So a very good morning to all of you guys. Welcome back once again to the session of PIB 24/7. आज के session में हम पढ़ने वाले हैं about the G20 environment ministerial meeting. इसके अलावा USA ने कुछ और restrictions लगा दी हैं चाइना के ऊपर, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. And then we will move on to another topic जिसमें हम पढ़ेंगे जो हमारा Department of Atomic Energy है, उसमें क्या क्या progress हुई है, उसकी क्या क्या history रही है, वो कब establish हुआ, उसका minister कौन है, and all the details. Okay. So let's start with the session, but before we begin, do subscribe to our channel and press the bell icon, and also you can join our telegram group for daily quizzes. जल्दी से ये telegram group join कर लो, इस पे daily quiz आती हैं, जो कि आपके exam preparation के लिए काफी beneficial होंगी. Okay, and now these are the four topics that we are going to discuss today. So first of all, we'll discuss the Institute of Teaching and Research in Ayurveda Bill. Then we will move on to the progress in atomic energy sector. इसके related question Lok Sabha में आया था, जिसके reply में answer दिया गया है by the ministry. And then we will move on to the G20 environment ministerial meeting. And finally, USA restrictions on Chinese products. USA और China की जो trade war चल रही है, उसमें USA ने फिर दोबारा से कुछ restrictions लगाई हैं China के कुछ goods के ऊपर, उसके बारे में हम जानेंगे. Okay. So let us move on to the first question, guys. So this question is about the Institute of Teaching and Research in Ayurveda Bill 2020. So we are going to discuss the news first, okay? So the Parliament has passed this bill, the Institute of Teaching and Research in Ayurveda. And remember, a Parliament ne isko pass kar diya hai, matlab Lok Sabha aur Rajya Sabha dono se ye pass ho chuka hai. And this bill has been passed to establish the Institute of Teaching and Research in Ayurveda in Jamnagar, Gujarat. जामनगर गुजरात में एक इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा रिलेटेड टू द रिसर्च इन आयुर्वेदा, उसके रिलेटेड इस बिल को पास किया गया है बाय द पार्लियामेंट. एंड दीज आर सम की पॉइंट्स. सो द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इट विल बी द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन इन द आयुष सेक्टर जो कि इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस, सॉरी इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस की कैटेगरी में आएगा. सो इट विल बी द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन इन द आयुष सेक्टर टू बी कन्फर्ड विद द स्टेटस ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस. And don't confuse it with institution of eminence. वो अलग चीज है. And institution of national importance is different. So ये पहला institution होगा जो कि आयु sector का है, जिसको institution of national importance का status दिया जाएगा. और ये institute बनाया गया जाएगा by merging the three existing institute. तीन existing institutes है, उनको merge करके ये बनाया जाएगा. और वो कौन से institutes है? Institute for postgraduate teaching and research in Ayurveda, श्री गुलाब कुंवरबा आयुर्वेदा महाविद्यालय, एंड इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिकल साइंसेज. सो दीज आर द थ्री इंस्टीट्यूट जिनको मर्ज करके दिस न्यू इंस्टीट्यूट विल बी फॉर्म्ड एट जामनगर इन गुजरात. ओके. एंड दिस इंस्टीट्यूट विल बी प्रोवाइडेड ऑटोनॉमी, इसको पूरी ऑटोनॉमी दी जाएगी टू डेवलप इट्स ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज. एंड अदर देन दिस, दिस इंस्टीट्यूट विल प्रोवाइड ट्रेनिंग टू ऑल द स्टेक होल्डर्स इन आयुर्वेद सेक्टर और इनफैक्ट इन द आयुष सेक्टर, ताकि जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है इन द आयु सेक्टर उसको बढ़ावा दिया जा सके. राइट. सो दिस इज अबाउट द इंस्टीट्यूट. एंड इफ यू टॉक अबाउट गाइस द इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, सो ये जो स्टेटस है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा दिया जाता है टू सम पब्लिक, टू सम प्रीमियर पब्लिक इंस्टीट्यूशंस. कुछ ऐसे प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि पब्लिक इंस्टीट्यूशंस होंगे, उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा ये स्टेटस दिया जाता है इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस. एंड रिमेंबर वन थिंग दैट देयर इज नो सिंगल एक्ट, इसके लिए कोई सिंगल एक्ट नहीं है जिसके थ्रू सारे इंस्टीट्यूशंस को जो इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का स्टेटस दिया जा सके. हर इंस्टीट्यूट के लिए अलग अलग है. लाइक फॉर एग्जांपल एम्स एक्ट 1956, आईआईटी एक्ट 1961. सो बहुत सारे ऐसे पार्लियामेंट्री एक्ट हैं जिनकी मदद से इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का स्टेटस प्रोवाइड कराया जाता है टू द इंस्टीट्यूट. और अगर कोई इंस्टीट्यूशन है ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस तो उसके क्या बेनिफिट्स होंगे? सो इट विल गेट मोर गवर्नमेंट फंडिंग देन रेगुलर इंस्टीट्यूट. जितनी फंडिंग रेगुलर इंस्टीट्यूट को मिलती है उससे ज्यादा मिलेगी इनको. अदर देन दिस, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट होंगे सो दे विल बी फ्री टू ऑपरेट देयर अकेडमिक एक्टिविटीज. जो उनकी अकेडमिक एक्टिविटीज है वो करने के लिए वो इंडिपेंडेंट रह सकते हैं. एंड अदर देन दिस, जो इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस होते हैं उसके लिए गवर्नमेंट जो है वो कुछ अलग से स्कॉलरशिप या कुछ अलग से फंडिंग भी प्रोवाइड कराती है. सो देर आर वेरियस बेनिफिट ऑफ बींग an institution of national importance, right? And this institute will be the first in the IU sector that will get the status of institution of national importance, all right? And now let's move on to the question. So which of the following statement is incorrect regarding the bill? So this bill has been passed by the parliament, so we have to tell which of the following statements is incorrect, all right?
So statement one is that the bill seeks to establish the Institute of Teaching and Research in Ayurveda in Gorakhpur, UP. So is it in Gorakhpur, UP? क्या ये गोरखपुर यूपी में बनाया जा रहा है? नहीं, इट इज गोइंग टू बी एस्टैब्लिश इन जामनगर इन गुजरात. राइट, और मुझे पता है आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने यहां तक पढ़ा होगा, पूरी लाइन पढ़ी नहीं होगी और स्टेटमेंट वन को करेक्ट मान लिया होगा. बट नहीं गाइज, आपको एग्जाम में ऐसा नहीं करना. यू हैव टू रीड द फुल स्टेटमेंट प्रॉपरली, केयरफुली आपको पूरी स्टेटमेंट को पढ़ना है, उसके बाद ही आपको डिसाइड करना है वेदर द स्टेटमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट. सो दिस स्टेटमेंट गाइज इज इनकरेक्ट बिकॉज दिस इंस्टीट्यूट इज टू बी कम अप इन जामनगर इन गुजरात. ओके, इट विल बी द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन इन द आयुष सेक्टर टू बी कन्फर्ड विद द स्टेटस ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. एंड इट विल बी एस्टैब्लिश बाय द मर्जिंग फोर एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूट. नो, ओनली थ्री एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूट को मर्ज करके इसको एस्टैब्लिश किया जाएगा. सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट. सो वी हैव टू फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, विच मीन्स ऑप्शन ए, ओनली वन एंड टू विल बी द करेक्ट आंसर. एंड आयुष गाइज स्टैंड फॉर A for Ayurveda, Y for Yoga, U for Yunani, S for Siddha and H for Homeopathy. World Homeopathy Day is every year observed on 10th of April, which is the birthday of Dr. Samuel Hahnemann. Okay, he is the founder of Homeopathy. And Ministry of Ayush is headed by Shripad Yesso Nayak. Shripad Yesso Nayak, his Lok Sabha constituency is North Goa. Okay, and now let's move on to the next news. So question number 2 and 3 are about the progress in the जो atomic energy sector में जो भी progress हुई है उसके बारे में है question number 2 और question number 3. So first of all let us discuss the news. की news क्या है? So recently Union Minister of State Independent Charge of Atomic Energy Dr. Jitendra Singh. Dr. Jitendra Singh की Lok Sabha constituency comments में लिख के बताइए, ठीक है? जिसको पता होगा that is very good, क्योंकि डॉक्टर जितेंद्र सिंह का नाम बहुत कम आता है. सो उनकी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी आपको बतानी है. ऑल द यू आर एस्पिरेंट्स, तो आपको इनकी जो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी उसका नाम पता होना चाहिए, बिकॉज इनके पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल. सो ये डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल के हेड है. सो इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए. सो डॉक्टर जितेंद्र सिंह की कॉन्स्टिट्यूएंसी बतानी है आपको कमेंट्स में. सो इन्होंने एक रिटर्न रिप्लाई में सबमिट किया है अबाउट द प्रोग्रेस दैट has been made in the atomic energy sector. और क्या क्या बताया इन्होंने? इन्होंने ये बताया कि during the last 3 years and including the current year, 12 nuclear power plants ऐसे हैं, 12 nuclear power reactors have been given approval. 12 nuclear power reactors को approval दिया गया है during the last 3 years including this year. And out of these 12 nuclear power reactors, 10 will be indigenous pressurized heavy water reactors. Indigenous का मतलब they are to be developed in India. And pressurized heavy water reactors. और जो दो होंगे that will be light water reactors and that is to be set up in cooperation with the Russian Federation. रशिया के साथ हम मिलकर बनाएंगे light water reactors, लेकिन जो pressurized heavy water reactors हैं वो indigenously develop किए जाएंगे और वो कितने होंगे? 10. Okay. And these are the reactors that is to be developed. So if we talk about the pressurized heavy water reactors, so in 5 जगहों पे दो दो प्रोजेक्ट्स लगाए जाएंगे. ओके, क्योंकि टोटल कितने पीएसडब्ल्यू आर्स हैं? 10. सो लेकिन यहां पे कितनी लोकेशन है? केवल 5, और उन 5 में से भी दो आपको दिखाई दे रही होगी बिल्कुल सेम लोकेशन है. ओके, सो यहाँ पे क्या है, प्रोजेक्ट्स के नाम अलग अलग है. दो माही बांसवाड़ा में अलग है, और इस मतलब दो यहाँ पे अलग प्रोजेक्ट्स है और यहाँ पे दो अलग प्रोजेक्ट्स है. ओके, सो मध्य प्रदेश में वेर इन चुटका, कर्नाटका कैगा, राजस्थान में माही बांसवाड़ा, हरियाणा में गोरखपुर, एंड दिस इज नॉट द गोरखपुर ऑफ उत्तर प्रदेश वाला, एंड अगेन राजस्थान माही बांसवाड़ा. सो दीज आर द 5 लोकेशन वेयर दीज 10 पीएचडब्ल्यूआर्स टू बी सेट अप इन द नियर फ्यूचर. और जो एक एलडब्ल्यूआर है दैट वी आर गोइंग टू सेट अप विद द हेल्प ऑफ रशियन फेडरेशन, दैट इज टू बी कम अप इन कुदंकुलम इन तमिलनाडु. ओके, एंड अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट की इन द एटॉमिक एनर्जी सेक्टर, सो एटॉमिक एनर्जी सेक्टर में एफडीआई के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है इन द फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इक्विपमेंट्स. इक्विपमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग में कोई भी लिमिट रेस्ट्रिक्शन नहीं है ऑन द एफडीआई. जितना मर्जी एफडीआई आए कोई प्रॉब्लम नहीं है. इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अमेंड किया था एक एक्ट को जिसका नाम है एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 टू एनेबल द लाइसेंसिंग ऑफ एनपीसीआईएल जॉइंट वेंचर्स फॉर सेटिंग अप न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स. जो एनपीसीआईएल के जॉइंट वेंचर को लाइसेंसिंग प्रोवाइड कराने के लिए ताकि वो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को सेटअप कर सके, उसके लिए एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 को अमेंड किया गया था इन द ईयर 2015. एंड अदर देन दिस,
जो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट है उसको बूस्टअप करने के लिए ज्वाइंट वेंचर चलाए जा रहे हैं बाय एनपीसीआईएल विद पब्लिक सेक्टर मेजर्स लाइक एनटीपीसी एंड आईओसीएल एंड नालको. ओके, सो टू बूस्ट द डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट ज्वाइंट वेंचर्स हैव बीन फॉर्म्ड बाय एनपीसीआईएल विद द मेजर पब्लिक सेक्टर कंपनीज लाइक आईओसीएल, लाइक नालको, लाइक एनटीपीसी. ओके, एंड नाउ दीज आर सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स गाइज अबाउट द एटॉमिक एनर्जी सेक्टर इन आर कंट्री. सो देर आर ओनली टू पब्लिक सेक्टर कंपनीज, दिस शुड बी पीएसयूज. So there are only two PSUs in the Department of Atomic Energy, which are NPCIL and Bharatiya Nabhikya Vidyut Nigam Limited. And I hope आपको NPCIL की full form तो पता होगी. Bharatiya Nabhikya Vidyut Nigam Limited, which in short is Bhavini. Okay. And non-government sector is not permitted in the nuclear power generation. Nuclear power generation में कोई भी private sector को allow नहीं किया गया है. Other than this, India currently has 22 operating reactors in 7 locations. So, can you tell me the name of these 7 locations? These are very important if you talk about the exam. ये सातों locations आपको पता होनी चाहिए. So, let us see आप में से कितने इसका जवाब दे पाते हैं. सातों locations का नाम आपको comment में लिख के बताना है. And the Department of Atomic Energy formed in 1954. It comes directly under the Prime Minister of India. और इसका headquarter कहाँ पे है? मुंबई में. Okay. रिमेंबर दिस थिंग कि ये जो मिनिस्ट्री है, जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह है वो इस मिनिस्ट्री के इंडिपेंडेंट चार्ज में मिनिस्टर है, लेकिन ये जो डिपार्टमेंट पूरा का पूरा है इट डायरेक्टली कम्स अंडर द प्राइम मिनिस्टर. राइट, एंड एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरपर्सन अभी कौन है? डॉक्टर के एन व्यास. दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, इट कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम. राइट, सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी. नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2 and 3. सो व्हाट आर द क्वेश्चन? Which of the following statements are correct regarding the progress achieved in atomic energy sector? So statement 1 is 12 new nuclear power reactors have been given approval. This is absolutely correct. जिसमें से 10 जो हैं वो pressurized heavy water reactors हैं और 2 light water reactors हैं. And 2 lightweight reactors to be set up in Tamil Nadu. This is also correct. And these are to be set up with the cooperation of Russian Federation. Right? And there is no restriction on FDI in the nuclear industry for the manufacturing of equipment. This is also correct, guys. So therefore, the correct answer will be what? Option E. All are correct. Okay. And now question number 3. So question number 3 is, I hope aapko question visible hai. Which of the following statements are incorrect regarding the atomic energy sector of India? Inme se kaun si statement jo hai incorrect hai regarding the atomic energy sector? So there are 2 PSB in the department. This should be PSUs. There are 2 PSUs in the Department of Atomic Energy. Yes, one is NPCIL and other is Bhavini. This is also correct. This is absolutely correct. And non-government sector is permitted in the nuclear power generation? No. Non-government sector is not permitted in the nuclear power generation. But yes, FDI is allowed in the manufacturing of the equipments. Okay. And the Department of Atomic Energy was set up in 1954. This is absolutely correct. We have to find the incorrect statement, which is only 2. So therefore, the correct answer will be what, guys? Option B, only 2. And I hope aapko yahan tak ki news clear hai. And now let's move on to the next news, which is about the G20 Environment Ministerial meeting. And the question is, which of the following 2 initiatives were launched during this meeting? Inme se kaun se 2 initiatives hain jo ki launch kiye gaye recently during the meeting? Okay, so guys, this is very important. This can be asked in any of the exam. Ye har exam ke liye important hai. So recently G20 Environment Ministerial meeting was held under the presidency of Saudi Arabia. Saudi Arabia ke presidency mein hua tha and India ki taraf se Mr. Prakash Javadekar ne join kiya tha, who is the Union Minister of Environment, Forest and Climate Change. Okay. And ye meeting kyun hui hai? To discuss the environmental issues across the G20 nations and the steps that we have to take, that we have to follow to combat the climate change ko rokne ke liye aur jo bhi environmental issues hai in the G20 nations usko solve karne ke liye, usko discuss karne ke liye, this meeting was held under the presidency of Kingdom of Saudi Arabia and the theme was realizing opportunities of the 21st century for all. Realizing opportunities of the 21st century for all was the theme and there were 3 key agendas. Sabse pehle logo ko empower karo, empower people taki wo environment ke towards kaam kar sake and they have some awareness about the enrichment of the environment. Then safeguard the planet ko bachane ke liye kya kya kadam uthai ja sakte hain, and then shaping the new frontiers, jo naye naye policies and programs hain unko nikala jaye, nayi nayi technologies ko invent kiya jaye, so that we can combat the climate change aur hum apne environment ko properly bacha sake.
एंड दीज आर द टू न्यू इनिशिएटिव्स दैट वर लॉन्च्ड. दो नए इनिशिएटिव्स हैं जो कि लॉन्च हुए थे. एक है ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन रिड्यूसिंग लैंड डिग्रेडेशन. एक इनिशिएटिव लॉन्च हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट, ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन रिड्यूसिंग लैंड डिग्रेडेशन. एंड इट हैज बीन लॉन्च्ड टू स्ट्रेंथन द इंप्लीमेंटेशन ऑफ एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क्स टू प्रिवेंट लैंड डिग्रेडेशन. जितने भी एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क्स हैं उसको इंप्लीमेंट करने के लिए, उसको प्रॉपर इंप्लीमेंट करने के लिए दिस इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड. एंड टू अचीव द गोल 15 ऑफ द एसडीजी, जो गोल 15 है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का, उसको भी अचीव करना है बाय द 2030. एंड जो गोल 15 है वो क्या है, रिलेटेड टू लैंड डिग्रेडेशन. जो हमें लैंड डिग्रेड हो रहा है हमारा, उसको कंबैट करना है. एंड देयर इज ऑल्सो वन कन्वेंशन, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कन्वेंशन टू कंबैट द डेजर्टिफिकेशन, राइट, एंड इट्स हेडक्वार्टर्ड इन पेरिस. ओके, एंड अनदर इनिशिएटिव इज द कोरल रीफ प्रोग्राम. आई होप आपको कोरल रीफ पता है क्या होता है. कोरल रीफ आई होप सबको पता होगा. कोरल रीफ क्या होता है, बेसिकली ये एक सिम्बायोटिक रिलेशन होता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. इट इज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन कोरल्स विच आर एनिमल, विच आर फ्रॉम द एनिमल किंगडम, एंड जू जैंथेल विच इज एन एल्गी. ओके, सो ये इन दोनों का सिम्बायोटिक रिलेशन होता है, इसको बोलते हैं हम कोरल रीफ्स. एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इकोसिस्टम, इसीलिए यहाँ पे इसकी बात भी हो रही है. लाइक दे आर द सोर्स ऑफ फूड फॉर वेरियस एनिमल्स. एंड ये जो है, ये जो शोर्स होते हैं, शोर जो कोस्टल इलाके होते हैं उनको स्टॉर्म से बचाते हैं, वहां पे इरोजन होने से रोकते हैं. सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इकोसिस्टम. सो देयर इज वन कोरल रीफ प्रोग्राम विच हैज बीन अनाउंस्ड, विच वॉज लॉन्च्ड ड्यूरिंग द G20 एनवायरमेंट मिनिस्ट्रियल मीटिंग टू क्रिएट अ ग्लोबल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इकोसिस्टम फॉर द कंजर्वेशन ऑफ कोरल रीफ एंड टू स्टॉप देयर डिग्रेडेशन. जो कोरल रीफ है उनके को कंजर्व करने के लिए और उनके डिग्रेडेशन को रोकने के लिए दिस कोरल रीफ प्रोग्राम हैज बीन लॉन्च्ड टू बूस्ट द रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द towards the conservation of coral reefs. Okay, and this is about some information about the G20. So it is an international forum of 19 countries and European Union. So remember this, yahan pe 20 countries nahi hai, yahan pe 19 countries hai aur European Union hai. Or it was established in the year 1999 and to discuss policy related to the promotion of international financial stability among the G20 nations. Aur iska jo pehla summit hua tha leaders ka, that was in 2008 in the Washington DC. Okay. Now let's come back to the question number 4, guys. So the question is, which of the following two initiatives were launched? So Global Initiative on Reducing Land Degradation and Coral Reef Program were launched during the G20 Environment Ministerial Meeting. So therefore, the correct answer should be what? Option D, only 1 and 3. And now let's move on to question number 5, which is the last question for today. So question number 5 says, guys, on which products USA imposed restrictions on imports from Xinjiang province of China, citing the use of labor force in the province. I hope आपने Xinjiang province का नाम सुना होगा, जहां पे Uyghurs Muslim के साथ काफी exploitation हो रहा है by the Chinese government. So उन्हीं Uyghurs Muslim का example लेते हुए USA ने कहा है that जो Xinjiang province है वहां पे forced labor का इस्तेमाल किया जा रहा है for making the products. So we are not interested in importing those products. Okay. So this is the news. So, इससे पहले भी काफी सारे प्रोडक्ट्स को यूएसए ने बैन कर दिया था फॉर द इंपोर्टिंग चाइना. सो यूएसए इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस ऑन सम प्रोडक्ट्स फ्रॉम चाइनीज कंपनीज इन Xinjiang प्रोविंस. एंड दिस हैज बीन डन बिकॉज यूएसए सेड दैट दीज एंटिटीज हैड यूज्ड फोर्स्ड लेबर इन Xinjiang प्रोविंस टू मेक द प्रोडक्ट्स. एंड द प्रोडक्ट्स आर अपैरल प्रोडक्ट्स, हेयर प्रोडक्ट्स एंड टेक्नोलॉजी गुड्स. ये तीन चीजों के ऊपर अभी बैन लगाया गया है, अभी रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई है. And this could have major repercussions on the global textile trade because जो China है वो अकेले 35% जो है वो trading करता है in the apparel sector. Apparel sector में China accounts for more than 35% of the global trade across the world. लेकिन इसका फायदा जो है वो Indian manufacturers को मिलने वाला है बहुत अच्छे तरीके से, because अगर China के Xinjiang province से import करना बंद कर देंगे तो obviously जो इंडिया के डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके लिए गेट खुल जाएंगे फॉर द एक्सपोर्ट्स. सो दिस डेवलपमेंट विल बेनिफिट इंडियन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स इन एक्सपोर्टिंग देयर प्रोडक्ट्स. ओके, सो दिस वाज द न्यूज गाइस. इसमें हमें कुछ ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है. सो द क्वेश्चन इज ऑन विच प्रोडक्ट्स यूएसए इम्पोज रेस्ट्रिक्शन ऑन इम्पोर्ट फ्रॉम Xinjiang प्रोविंस. एंड दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम बिकॉज ये हमारे सोशल इश्यूज से रिलेटेड है. एंड ऑफकोर्स सोशल इश्यूज के साथ साथ ये हमारे इकोनॉमी से भी रिलेटेड है. सो
तो ये ईएसआई सेक्शन के दोनों स्फेयर्स को कवर करता है. सो देयरफॉर दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट. सो अपैरल, हेयर प्रोडक्ट्स एंड टेक्नोलॉजी गुड्स, इन सभी के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई है. सो देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज व्हाट, ऑप्शन डी, ऑल 1, 2 and 3. ओके एंड गाइस, दैट्स इट फॉर द सेशन टुडे. आई होप यू लाइक इट. फॉर मोर अपडेट्स डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन. आपको ये सेशन कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं. मिलते हैं अगले सेशन में. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस.